मध्य प्रदेश में खाली कुर्सी को देख छटपटा गए मोदी। भाषण छोड़ दिल्ली भाग निकले लोग। जी हां, आपको बताया चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के शंखनाद का आगाज मध्य प्रदेश की धरती बीना से कर दिया है, जहां पर उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह घमंडिया गठबंधन सनातन को तहस नहस करना चाहता है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के गठबंधन को इंडिया की जगह इंडी कहकर पुकारा, साथ ही हर बार घमंडिया गठबंधन बोलने से भी नहीं चुके। उन्होंने एक तरफ जहां आज भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखाया, दुनिया मंचों पर हमारा भारत मित्र के रूप में सामने आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल है जो देश को समाज को विभाजित करने में जुटे हुए। इन सब के बीच एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जिस वीडियो को देखकर भाजपा का सर शर्मसार से नीचे झुक गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भाजपा के रैली में जहां तमाम कुर्सियां भरी हुई रहनी चाहिए थी, जहां पीछे की कतार में लगभग कुर्सियां खाली नजर आए, जिस वीडियो को देखकर पूरी दुनिया दंग और हैरान रह गई है। अक्सर देखा गया है कि जब भी भाजपा की कोई भी रैली होती है, वहां पर कुर्सियां भरी हुई नजर आती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कुछ महीनों में भाजपा के प्रति लोगों का बदलाव देखने को मिला, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को जनता सबक सिखा सकती है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में मुट्ठी भर लोग ही आशीर्वाद देने के लिए जनसभा में पहुंचे हुए थे। बताया चले कि जिस तरीके से आए दिन कोई ना कोई वीडियो और फोटो भाजपा का इसी तरह से वायरल हो जाता है, जिस वीडियो को देखकर भाजपा को जोरदार झटका लग जाता है। जहां एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है, तो दूसरी तरफ खाली कुर्सी को देख मोदी और शाह को 420 वोल्ट का जोरदार झटका लगा है। इस वीडियो को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।